नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरा YouTube चैनल फिल्मी गीड़ा में और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फिल्मी बॉय। लेकर आया हूं आज आपकी एक नई मूवी का रिव्यू जिसका नाम है वीर सावरकर स्टारिंग रणदीप हुड्डा। देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं फिल्म की कहानी से जो शुरू होती है सन 1921 में, या आई थिंक 1919 में। देखिए, ये कहानी की शुरुआत बेसिकली तो स्वतंत्रता की सबसे पहली जो लड़ाई हुई थी 1857 में जो लड़ी गई थी उससे शुरू होती है, लेकिन इसका जन्म वीर सावरकर के बचपन से होता है और ख़त्म होती है 1966 में जब वीर सावरकर अपना शरीर छोड़ देते हैं भूख हड़ताल करके। तो उनके लाइफ में जितने भी इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हुए थे, जितनी भी सारी चीज़ें हुई थी, उन्होंने उतने काम किए थे। उन्होंने काला पानी की सज़ा काटी थी, उन्होंने आज़ादी से पहले कितनी सज़ा काटी थी, उन्होंने आज़ादी के बाद कितनी सज़ा काटी थी, जितना भी उन्होंने बताया था वो सारी चीज़ें आप इस फिल्म में देख पाएंगे। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा बड़ी बात पता है क्या है? एक एक्टर का डेडिकेशन जो उन्होंने वीर सावरकर को निभाने में दिखाया। वीर सावरकर का जो काला पानी में सज़ा काटते वक्त जो ट्रांसफॉर्मेशन था, रणदीप हुड्डा ने पहले भी ये काम किया है और अब भी करके दिखा दिया है। ही इज़ एक्चुअली यू नो मोस्ट वर्सटाइल एक्टर आई हैव एवर सीन, तो ये बहुत अच्छी बात थी। अच्छा, कुछ एक बात जो मुझे अच्छी नहीं लगी वो ये लगी कि इसको कहीं ना कहीं थोड़ा एजेंडा की तरफ मोड़ दिया गया है। मतलब हो सकता है कि मैं सही व्यक्ति ना हूँ ये बात कहने वाला, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील होता है कि कहीं ना कहीं एजेंडा की तरफ मुड़ गई है। कैसे मुड़ गई है? मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस को इतना बुरा दिखाया गया है, हालांकि उसमें ऐसा दिखाया गया है फिल्म के अंदर कि कांग्रेस कंप्लीटली मुस्लिमों का साथ दे रही है, मुस्लिम लेकिन वो हिंदुओं को मानती है लेकिन हिंदुओं का साथ नहीं दे रही है। उन्होंने पाकिस्तान के विभाजन में उन्होंने बहुत ज़्यादा योगदान दिया है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें मुझे फैक्ट्स के साथ थोड़ा सा लगता है, मुझे ऐसा लगता है। आई एम नॉट अ हिस्टोरियन, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये थोड़ी सी चीज़ अवॉइड की जा सकती थी। अगर इसको कम्प्लीटली वीर सावरकर के ओपिनियन पर देखा जाए तो हम एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये किसी एक पर्सन का एक माइंडसेट हो सकता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मूवी वॉज वंडरफुल, बहुत लाजवाब मूवी थी। मेरी तरफ से इस फिल्म को 5 में से 4 स्टार। मिलते हैं अगले रिव्यू पे, तब तक के लिए नमस्कार।